हेलो बच्चों, हम वीबीटी पढ़ रहे थे। बच्चों क्या पढ़ रहे थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये ओवरलैपिंग जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल की, दो तरीके से हो सकती है। एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, जिससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होता है। और एक ओवरलैपिंग बोली जाती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसे बच्चों एक और ओवरलैपिंग बोला जाता है लेटरल ओवरलैपिंग, और इससे बनने वाला बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। हम मेरी बात समझ रहे हैं कि दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। एक ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। अब जरा समझो, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है जब ऐसे ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल जब ऐसे ओवरलैप करते हैं तो इसे एक्सियल ओवरलैपिंग बोला जाता है, जब ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं तो इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग बोला जाता है। बात समझ रहे? अगर ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो इसे एक्सियल ओवरलैपिंग बोला जाता है, ऐसे ओवरलैप करते हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है, एक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? एक्सियल ओवरलैपिंग, बच्चों पहली बात आप समझो मेरी बात। वीबीटी ये कहती थी वही ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल क्या वीबीटी के अंदर ओवरलैपिंग वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किसके, कौन सी शेल के होने चाहिए बच्चों? ये आउटर मोस्ट शेल के होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के या वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग को कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। समझ में आएगा मेरी बात? अब इससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसका रूल क्या है। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी? वो एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी। जैसे मैं मतलब समझाता हूं, जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है। समझ गए मीनिंग? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकती है, एक ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, एक ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इससे पाई बॉन्ड बनता है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। वीबीटी बताती है ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और आउटर मोस्ट शेल के और वैलेंस शेल के होने चाहिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उस ओवरलैपिंग को बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग। उस ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग बोला जाता है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उस ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग बोला जाता है, और इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होता है। बच्चों ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग कौन कौन सी होती है? एसएस, एसपी, पीपी, ये तीन ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। मैं यहां पर एक चीज लिखना चाह रहा हूं, और वो ये है कि एस ऑर्बिटल
जब भी ओवरलैप करेगा, जब भी ओवरलैप करेगा वो एक्सियली ओवरलैप कर सकता है, वो एक्सियली ही ओवरलैप कर सकता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज एक्सियली ओवरलैप करता है बेटा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, वो साइडवाइज ओवरलैप कर ही नहीं सकता। एस ऑर्बिटल ऑलवेज एक्सियली ओवरलैप करता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस उसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग है ना। इसके अंदर आपको लिखना था एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप एक्सियली या हेड ऑन। सुन रहे, मतलब एस ऑर्बिटल सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? कौन सा ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता? एस ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। वो सिर्फ कैसे ओवरलैप कर सकता है? एक्सियली ओवरलैप कर सकता है क्योंकि इसकी शेप सिमेट्रिकल होती है। वो कहीं से भी ओवरलैप करे ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा बेटा। कहीं से भी ओवरलैप करे, दो एस ऑर्बिटल को कहीं से भी ओवरलैप कराओ वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वो साइडवाइज ओवरलैप कर ही नहीं सकता। कौन सा ऑर्बिटल कभी भी साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर सकता? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कभी भी साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर सकता। वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। किसी भी जगह कहीं से भी ओवरलैप करे, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप करे, वो ऑलवेज एक्सियली ओवरलैप हो सकता है, साइडवाइज ओवरलैप नहीं हो सकता। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? एक्सियल ओवरलैपिंग वो ओवरलैपिंग होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसको हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये तीन तरीके की होती है, एसएस, एसपी एंड पीपी। एस ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप एक्सियली क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने के कारण ऐसा नहीं होता कि किसी भी डायरेक्शन में उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, वो हर जगह सिमेट्रिकल है। वो किसी भी डायरेक्शन से जब भी ओवरलैप करते हैं वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और वो ऑलवेज एक्सियली ओवरलैप कर सकते हैं। बस मेरी बात समझ गए? एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है। एसएस एसपी पीपी ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप करते हैं एक्सियली, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाते हैं। वो साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शेप स्फेरिकल होती है। मेरी बात समझ गए? स्फेरिकल शेप होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की दो तरीके से हो सकती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है, एक साइडवाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। एक्सियल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम हेड ऑन ओवरलैपिंग है, साइडवाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम लेटरल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। वीबीटी क्या कहती है? एक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल के और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते वक्त इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलावा ओवरलैप कर रहे तो इनको एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। अब इसको हम और समझते हैं थोड़ा सा। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब मीनिंग आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मतलब अगर मान लो पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं। पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं बेटा, px, py, pz है ना। px अगर मैं मान लो ये मैंने px बना लिया, डंबल शेप होती है ना p की, ये मैंने py बना लिया, ये मैंने pz बना लिया। ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। px, py, pz, px, py, pz, p के तीन ऑर्बिटल होते हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लो, ये पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, ये पी जेड हो गया, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया। पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप जरा समझो मेरी बात, समझ गए मेरी बात यहां तक? आप जरा समझो यहां का कंसेप्ट क्या कहता है। जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है, जैसे ये मेरा पी एक्स है, ये मेरा पी एक्स है, ये मेरा पी एक्स, पी एक्स ऑर्बिटल है। अगर मेरा ये s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल मतलब स्फेरिकल ऑर्बिटल, अगर ये अलोंग x एक्सिस आएगा, अगर ये अलोंग x एक्सिस आएगा तो ये कहा जाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये कहा जाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग। मतलब p ऑर्बिटल px ऐसे है, इसी के डायरेक्शन में आना चाहिए तभी ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। मान लो ये मेरा p का ऑर्बिटल है, ये मैंने बना दिया px और ये रही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसी ये px है, x एक्सिस के अलोंग है, इसी के इसी डायरेक्शन में इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा
s ऑर्बिटल को, तभी कहलाएगी वो sp ओवरलैपिंग। मतलब इस s ऑर्बिटल को भी किस डायरेक्शन से आना पड़ेगा, x डायरेक्शन से आना पड़ेगा, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि s ऑर्बिटल ऑलवेज सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई नहीं बनाता। जब भी ये ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी। मतलब अगर हमारा px ऑर्बिटल है, तो अगर उसको एक्सियल ओवरलैप करना है s ऑर्बिटल को, तो उसको किसके डायरेक्शन से आना पड़ेगा, x एक्सिस। अगर मेरा py ऑर्बिटल है तो y एक्सिस के डायरेक्शन से आना पड़ेगा। अगर मेरा pz ऑर्बिटल है तो z एक्सिस के डायरेक्शन से आना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक्सियली ओवरलैप करेंगे, तो वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। px में अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, py के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, pz के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। समझे मेरी बात, px के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, py के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, और pz के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या बताया आपको कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो तीन केसेस में होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग पहला केस है ss ओवरलैपिंग। बेटा मैंने पहले ही बता दिया s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप करे वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, और वो बॉन्ड क्या कहलाता है, सिग्मा। मान लो ये एक s ऑर्बिटल है, दूसरा ये रहा एक और s ऑर्बिटल है, और अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं इस तरीके से, सुन रहे, ये दोनों के मैंने सेंटर पे न्यूक्लियस बना रखा है, ठीक है, दोनों ओवरलैप करते हैं, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है, ss ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है, ss ओवरलैपिंग बोला जाता है। बट अगर मान लो मैं ये ss ओवरलैपिंग की बात कर ली, अगर मैंने sp की ओवरलैपिंग की बात करी, इधर सुनो, अगर मैं px को s ऑर्बिटल से ओवरलैप कराऊं किसके अलोंग, अलोंग x एक्सिस, तो ये बनाएगा हमारा sp ओवरलैपिंग, है ना, ये बनाएगा sp ओवरलैपिंग। अगर मैं py को ओवरलैप कराऊं x के s ऑर्बिटल के साथ और अलोंग y एक्सिस, तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, sp ओवरलैपिंग बनाएगा, ठीक है। अगर मैं pz को ओवरलैप कराऊं s के साथ अलोंग z एक्सिस, तो px की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, py की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, pz की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। तो pz को अगर मैं ओवरलैप कराता हूं s के साथ और अलोंग z एक्सिस कराता हूं, तो ये भी कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, sp ओवरलैपिंग कहलाएगी, और तीनों से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होगा। बट अगर आपने ऐसा किया कि आपने px के साथ s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया और y एक्सिस के अलोंग कराया, तो ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, ये ओवरलैपिंग जीरो कहलाएगी। कहने का मतलब ये मेरा p ऑर्बिटल है, ये मेरा s ऑर्बिटल है, अगर ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये अगर ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बट ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। तो अगर मैं जीरो ओवरलैपिंग में डायग्राम बनाऊं px का, तो ये इस तरीके का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो गई। मान लो ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग है। डायग्राम बेटा थोड़ा सही से बना लो, डायग्राम थोड़ा सही से बना लो, ये मैंने p ऑर्बिटल बनाया px, ये मैंने इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी px, और ये मैंने s ऑर्बिटल बना दिया, ये ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग है, जीरो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग है। तो जब भी आप px को s के साथ ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना चाहते हो, तो इस s ऑर्बिटल को इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा। इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस, तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी। जैसे मान लो py को अगर आप s के साथ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराएं और वो x एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करा दे, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग है, ये भी जीरो ओवरलैपिंग है, ये भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। कैसे नहीं है, ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया, py, और ये मेरा s ऑर्बिटल किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये मेरा s ऑर्बिटल किस डायरेक्शन से आ रहा है, x डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग भी कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी। समझ गए नहीं समझे, चेक करो जरा। तो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की दो तरीके से होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और एक साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। दो s ऑर्बिटल सिर्फ एक ही तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, और वो है एक्सियली ओवरलैप कर सकते हैं। s ऑर्बिटल कभी भी साइडवाइज ओवरलैप कर ही नहीं सकता, उसमें कोई ऐसा रीजन होता ही नहीं है
जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम हो वहां स्फेरिकली होता है। स्फेरिकल का मतलब हर जगह सिमेट्रिकल, हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। तो एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज एक्सियल ओवरलैप कर सकता है। पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप भी कर सकता है, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कर सकता है। तो अगर मैंने बताया था अगर आप एसपी ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं तो जो आपका एस ऑर्बिटल है उसे अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आना पड़ेगा, तभी वो ओवरलैपिंग एक्सियल कहलाएगी। जैसे मान लो पी एक्स है तो इस एस ऑर्बिटल को अलोंग एक्स एक्सिस आना पड़ेगा, पी वाई है तो इसको इस एस ऑर्बिटल को अलोंग वाई एक्सिस आना पड़ेगा, पी जेड है तो इस एस ऑर्बिटल को अलोंग जेड एक्सिस आना पड़ेगा, तभी ये ओवरलैपिंग हो पाएगी, वरना ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। आप जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मुझे बताना। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, वो हर जगह उसकी ओवरलैपिंग एक जैसी होती है, कहीं से भी ओवरलैप करे, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप करे, वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। अभी समझते हैं ना, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है तो वो किसी भी डायरेक्शन से, वेदर एक्स एक्सिस से, वेदर वाई एक्सिस से, वेदर जेड एक्सिस से ओवरलैप करे, वो ऑलवेज एक ही बॉन्ड बनाता है सिग्मा। बेटा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, मेरी बात नहीं समझ रहे? एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, वो किसी भी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मतलब अगर मैं लिख दूं कि दो एस ऑर्बिटल है, दो एस ऑर्बिटल है, अगर आप इनको एस एस ओवरलैपिंग बनाएंगे, आप इनको अलोंग एक्स एक्सिस ले लो, आप इनको अलोंग वाई एक्सिस ले लो, आप इनको अलोंग जेड एक्सिस ले लो, ये ऑलवेज एक ही बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये ओवरलैपिंग है। बट अगर आप पीएक्स के साथ ओवरलैप करके एसपी ओवरलैपिंग बनाना चाहते हैं तो इसको अलोंग एक्स एक्सिस आना पड़ेगा। किसको अलोंग एक्स एक्सिस आना पड़ेगा? इस एस ऑर्बिटल को। अगर आप पीवाई के साथ एस करके एसपी ओवरलैपिंग बनाना चाहते हैं तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा। अगर आप पीजेड के साथ एस की ओवरलैपिंग कराते हैं और एसपी ओवरलैपिंग बनाते हैं तो इसके जेड एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा, और तीनों से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है। बेटा कभी भी एस ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर सकता। इतनी कहानी आपको अगर क्लियर हो गई हो तो मुझे बताओ। ये हम बात कर रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग की। बेटा किसकी बात कर रहे हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग की। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है शेप में, तो वो किसी भी डायरेक्शन से आए, वेदर एक्स एक्सिस से, वेदर वाई एक्सिस से, वेदर जेड एक्सिस से, वो ऑलवेज कैसी ओवरलैपिंग करता है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। इसी के नीचे एक और कांसेप्ट भी आप लिख सकते हो कि अगर हम एस ऑर्बिटल को px के साथ ओवरलैप करा रहे हैं और अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस करा रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी। अगर मैं s को py के साथ ओवरलैप करा रहा हूं और अलोंग x और z करा रहा हूं तो ये ओवरलैपिंग भी जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी। अगर मैं s ऑर्बिटल को pz के साथ ओवरलैप करा रहा हूं और अलोंग y और x एक्सिस करा रहा हूं तो ये ओवरलैपिंग भी जीरो कहलाएगी। तो समझो px की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो x एक्सिस है, py की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो y एक्सिस है, pz की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो z एक्सिस है। समझ गए? तो उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा s ऑर्बिटल को। तो अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएगा s ऑर्बिटल तो वो ओवरलैपिंग होगी और वो सिग्मा बनाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं pp ओवरलैपिंग। बेटा pp ओवरलैपिंग जैसे मान लो ये रहा, ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरे p ऑर्बिटल से एक्सियली ओवरलैप हो रहा है, इस ओवरलैपिंग को पीपी ओवरलैपिंग बोला जाता है, और ये भी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है। ये एक पी ऑर्बिटल है, एक ये पी ऑर्बिटल है, दोनों एक्सियली ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे? सिग्मा। मैं पहले ही बता दूं, ये वो वीवीटी कहती है, ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना सकते हैं आपका, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, वेदर वो सिग्मा बॉन्ड बनाए या वेदर वो पाई बॉन्ड बनाए। अब ये पीपी ओवरलैपिंग है, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। अगर px px के साथ ओवरलैप करे और अलोंग x एक्सिस करे तो ये कहलाएगा pp ओवरलैपिंग, एक्सियली और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। py py के साथ ओवरलैप करे और अलोंग y एक्सिस करे, इनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, तो भी बनेगा pp सिग्मा बॉन्ड, है ना। अगर pz pz के साथ ओवरलैप करे और अलोंग z एक्सिस करे तो भी बनेगा pp सिग्मा बॉन्ड। तो px px के साथ ओवरलैप करता है अलोंग x एक्सिस, py py के साथ अलोंग y एक्सिस। बेटा ये x एक्सिस क्या है? ये x एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो जब भी दो p ऑर्बिटल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे
तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और वो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी पीपी। अगर आपको मैं डायग्राम वाइज बताऊं, आप समझो, अगर मेरा पीएक्स पीवाई के साथ ओवरलैप करे तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी जीरो, ये हो ही नहीं सकती। मेरा पीवाई पीजेड के साथ ओवरलैप करे ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, जीरो। और अगर मेरा पीजेड पीएक्स के साथ ओवरलैप करे तो ये भी क्या कहलाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। एनसीईआरटी में बेटा इतना नहीं दे रखा है, ये आपको मैंने समझाने के लिए क्या रखा है, एक पी ऑर्बिटल मान लो ये पीएक्स है, ये भी पीएक्स है, दोनों अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सुन रहे हैं? और अगर दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक पीएक्स ले लिया और एक पीवाई ले लिया और इसको अगर आप इनको ओवरलैप करेंगे तो दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, नहीं समझे? मान लो ये मेरा पीवाई है और ये मेरा पीएक्स है और इनको अलोंग एक्स एक्सिस ओवरलैप कराओगे तो ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। ये मेरा पीवाई है, ये मेरा पीएक्स है, ये मेरा पीएक्स है, ये ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग कराएगी अलोंग वाई एक्सिस, जीरो ओवरलैपिंग। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? ये मेरा वाई एक्सिस है, पीवाई है, ये मेरा जेड एक्सिस है, तो ये ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, जीरो। तो px px के साथ ओवरलैप करता है अलोंग x एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, py py के साथ ओवरलैप करता है y एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनाता है, pz pz के अलोंग ओवरलैप करता है z एक्सिस से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, px py के साथ ओवरलैपिंग करता है जीरो ओवरलैपिंग, py pz के साथ जीरो ओवरलैपिंग, pz px के साथ जीरो ओवरलैपिंग। समझ गए नहीं समझे? अब बेटा बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, आपके स्कूल लेवल पर क्या है, आपके स्कूल लेवल पर है एसएस ओवरलैपिंग का डायग्राम बता दो, तो एक एस ऑर्बिटल ले लो, दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर दो और उनको एक्सियली ओवरलैप करा दो। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सियली ओवरलैप, दे ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, चाहे आप उसे एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराओ, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराओ, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराओ, वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मान लो ये दो एस ऑर्बिटल है, इनको आप ऐसे ओवरलैप कराओ तो भी सिग्मा बनेगा, ऐसे ओवरलैप कराओ तो भी सिग्मा बनाओ, ऐसे ओवरलैप कराओ तो भी सिग्मा बनेगा। मतलब इनके केसेस में ये तीनों एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर सकते हैं, ये स्कूल लेवल में। अगर मैं एसपी ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये मेरा एक पी ऑर्बिटल है, इनकी अगर मैं ओवरलैपिंग करूं तो एनसीईआरटी सिर्फ इतना बताती है कि इनको अलोंग द इंटर, व्हाट डू यू मीन बाय अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। px के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी, x एक्सिस, py के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y एक्सिस, pz के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, z एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ये ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है। अगर मैं pp ऑर्बिटल ले लूं, एक p ऑर्बिटल ले लूं, दूसरा p ऑर्बिटल ले लूं और दोनों को अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराऊं तो ये बताओ कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, pp ओवरलैपिंग कहलाएगी। ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ये पीपी ओवरलैपिंग कहलाएगी पीपी, और इन तीनों ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, एस ऑर्बिटल तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बना ही नहीं सकता। एस ऑर्बिटल तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है बेटा, एस ऑर्बिटल तो एक्सियली ओवरलैप करता है, पी ऑर्बिटल दो तरीके की ओवरलैपिंग कर सकता है साइड वाइज। अब बेटा हम साइड वाइज ओवरलैपिंग समझने जा रहे हैं, हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग समझने जा रहे हैं, नहीं समझ रहे साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब समझो, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करने लग जाए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करने लग जाए, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करने लग जाए तो उस ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोला जाता है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करने लग जाए, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं, पहले मीनिंग समझाऊं, अगर पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप, पीएक्स पीएक्स के साथ, पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप करने लग जाए और अलोंग वाई एक्सिस करने लग जाए, जेड एक्सिस करने लग जाए, तो बताओ पीएक्स के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, बट दे ओवरलैप अलोंग वाई एंड जेड, दे ओवरलैप अलोंग वाई एंड जेड, तो इस ओवरलैपिंग को बोला जाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग।
साइड वाइज ओवरलैपिंग। बेटा मैंने आपको पहले बताया पी के तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। पीएक्स पीएक्स की कौन सी ओवरलैपिंग है मुझे बताओ। पीएक्स पीएक्स की इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के वाई और जेड एक्सेस परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये इनके अलोंग ओवरलैप करने लग जाएगा तो ये कहलाएगा क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर मैं आपको बोलूं पीवाई ये मीनिंग है पीवाई पीवाई के साथ ओवरलैप करता है बट एक्स और जेड के डायरेक्शन में करता है तो ये कहलाएगा पाई बोन बनाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। बट अगर पीवाई पीवाई के साथ ओवरलैप करता है और अलोंग वाई एक्सिस करता है तो ये कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग। मीनिंग समझो, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब एनसीईआरटी इतना नहीं बताते, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वाई एक्सिस की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बट अगर वाई के छोड़कर एक्स और जेड के अलोंग अगर ओवरलैप करते हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करने लग जाएंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करने लग जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहले इतना चीज समझ लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर मुझे बताइए। बेटा इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं अभी आगे चल के, पहले इतना बना लिया। मैं ये डायग्राम रफ कर रहा हूं सिग्मा बॉन्ड वाले, मैं सिग्मा बॉन्ड वाले डायग्राम रफ कर रहा हूं। अब जरा मेरी बात समझो, आप अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग सीख रहे हो तो समझो साइड वाइज ओवरलैपिंग, एनदर नेम इज लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग के कारण बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब पी आई है ना। जैसे ये मान लो ये मेरा एक पी ऑर्बिटल है, ये मेरा एक पी ऑर्बिटल है, दोनों साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये इनके इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करते हैं बेटा, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग करी। इसके बाद बेटा इसमें होता क्या है, देयर इज अ नोडल प्लेन है ना, इसीलिए आफ्टर द ओवरलैपिंग दिस इज द कंडीशन। प्लेन के ऊपर ओवरलैप करते हैं और प्लेन के नीचे, और ये जो बीच में ये प्लेन है ये जो मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। होता क्या है बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करेगा तो कुछ ये कहानी बनेगी, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है बेटा। इसको बोला जाता है साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग है ना, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करें, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करें। तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, अच्छा मुझे ये बताओ एस अगर पीएक्स के अलोंग ओवरलैप करे एक्स एक्सिस के अलोंग, बताओ ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अगर मेरा एस ऑर्बिटल पीएक्स के साथ ओवरलैप करे अलोंग वाई एक्सिस तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी। अगर मेरा पी ऑर्बिटल पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप करे अलोंग एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर मेरा पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप करे अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो ये मेरा पाई बॉन्ड होगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करे, अगर मेरा एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये एसएस सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि साइडवाइज ओवरलैपिंग अनदर नेम इज लेटरल ओवरलैपिंग, इनसे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अब आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एक्सियल सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है एज कंपेयर टू पाई, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन। मान लीजिए आपको मैं पी ऑर्बिटल के थ्रू समझाऊं, देखो इधर एक ये रहा एक पी ऑर्बिटल और ये रहा एक दूसरा पी ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये आपके दोनों न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बेटा इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में कम, रिपल्शन कम, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। अगर मैं दो पी ऑर्बिटल को एक्सियल ओवरलैप कराऊं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द न्यूक्लियस होती है, जिसकी वजह से इन दोनों न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट अगर इन दो पी ऑर्बिटल को मैं साइडवाइज ओवरलैप कराऊं, अगर इन दो पी ऑर्बिटल को मैं साइडवाइज ओवरलैप कराऊं तो मैं देखूंगा कि बीच में एक ऐसा रीजन आएगा, एक नोडल प्लेन आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो या तो प्लेन के ऊपर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन या तो प्लेन के नीचे मिलेंगे, बट इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, या तो इससे ऊपर है इस प्लेन से, मान लो ये प्लेन है, या तो इसके ऊपर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन या इसके नीचे मिलेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन यहां मिलेंगे या यहां मिलेंगे, इस प्लेन में नहीं मिलेंगे, प्लेन के ऊपर मिलेंगे नीचे मिलेंगे बट यहां नहीं मिलेंगे प्लेन में, इस प्लेन को नोडल प्लेन बोला जाता है। अब समझो इन इन केसेस में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, तो बॉन्ड वीक होगा। तो इसी चीज को एनसीईआरटी ने कैसे कह रखा है वो बताता हूं आपको, इसी चीज ने एनसीईआरटी ने कैसे कह रखा है। बेटा इस केस में क्या होता है, जब हम इनको एक्सियली ओवरलैप कराते हैं तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बट जब हम इनको साइडवाइज ओवरलैप कराते हैं तो प्लेन के ऊपर होता है प्लेन के नीचे होता है, जिसके कारण इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। और जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एक्सियल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, व्हाई एक्सियल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू, as compared why axial bond is a stronger bond as compared to axial bond bol lo sigma bond bol lo, sigma bond is a stronger bond as compared to pi bond, why axial overlapping is a stronger overlapping as compared to the sideways overlapping, reason kya hai why axial bond is a stronger bond as compared to pi bond hai na, why axial overlapping is a more overlapping, reason hai beta एक्सियल बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, एक्सियल बॉन्ड जब बनता है मतलब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है बच्चों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, क्यों होती है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, इसीलिए आपका सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये तो दो जगह ओवरलैप कर रहा है, ये एक जगह ओवरलैप कर रहा है, बट आप यहां देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि देयर इज अ प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जिसकी वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, और अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक है इसीलिए सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई, रीजन है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन, और वो ज्यादा क्यों होती है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, वो ज्यादा क्यों होती है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। तो किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई, सुन लिया मेरी बात, सिग्मा बॉन्ड इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई, सिग्मा बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा होती है साइडवाइज ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों ज्यादा होती है साइडवाइज ओवरलैपिंग से, उसका रीजन है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन कम होता है, बट इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है अट्रैक्शन कम होता है, देयर इज अ नोडल प्लेन, ये चीज बहुत ध्यान रखनी, कहानी खत्म हो गई, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब क्वेश्चन कर लेना कि राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बेटा इधर सुनो, पाई बॉन्ड के अराउंड एक चीज और बता दूं मैं, राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड,
बच्चों राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, चार डिफरेंस बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। आप क्वेश्चन सुना आपने, चार डिफरेंस बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। तो एक तरफ आप लोग सिग्मा बॉन्ड लिख लो, एक तरफ आप पाई बॉन्ड लिख लो। अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है तो उस पाई बॉन्ड को पी पाई बॉन्ड लिख बोलते हैं। एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनाता है तो उसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। फोर डिफरेंसेस बता रहे हैं हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, ये वीक बॉन्ड है। बेटा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटा आगे जाके एक आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स वो वही शो कर सकते हैं जिसमें फ्री रोटेशन होता है। आपके पाई बॉन्ड कन्फॉर्मर्स शो नहीं करते, आपके सिग्मा बॉन्ड कन्फॉर्मर्स शो करते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मीनिंग समझते हैं जरा, फ्री रोटेशन का क्या है आप जरा समझो। फ्री रोटेशन का मतलब है जैसे ये रहा, आप इसके अराउंड फ्री घुमा सकते हैं, किसको, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन घुमा घूम सकता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बट अगर आपने साइडवाइज ओवरलैपिंग, यानी साइडवाइज ओवरलैपिंग आपने बॉन्ड घुमाया, ये टूट जाएगा। साइडवाइज ओवरलैपिंग में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, साइडवाइज ओवरलैपिंग में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि एक्सियल ओवरलैपिंग में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। आप ऐसे समझो मेरी बात को, इस बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। मान लो मार्कर से समझाता हूं, आपने ये दोनों एक्सियली ओवरलैप करा रखे, आप इनको घुमाओगे ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बट आपने ये पाई बॉन्ड है, अगर आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना है, ऐसे घुमाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये सिग्मा बॉन्ड कन्फॉर्मर्स शो करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं करते। समझ में आ गई बात, अब जरा मेरी बात समझो। सिग्मा बॉन्ड किस किसके ओवरलैपिंग से बन सकता है, SS ओवरलैपिंग से बन सकता है, SP ओवरलैपिंग से बन सकता है, PP ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है, PP ओवरलैपिंग से बनता है, DP ओवरलैपिंग से बनता है, DD ओवरलैपिंग से बनता है। ये चीज समझिए, ये दोनों आपके 12th क्लास के कोर्स में है, 11th के कोर्स में नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, स्ट्रॉन्गर है, वीक है, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड कन्फॉर्मर्स शो करते हैं, ये कन्फॉर्मर्स शो नहीं करते। कन्फॉर्मर्स वही शो कर सकता है जिसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्शन होती है बेटा, वो फ्री रोटेशन शो नहीं कर सकते। फ्री रोटेशन अगर वो शो करेंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, समझ रहे ना। इसीलिए कौन कन्फॉर्मर्स नहीं बनाता, कौन कन्फॉर्मर्स शो नहीं करता, पाई बॉन्ड वाले नहीं शो करते। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, उसके अंदर एक नोडल प्लेन होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, रीजन है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई। समझ में आती मेरी बात, बोलो ठीक है। ये आज का आपका एक टॉपिक खत्म हो गया ओवरलैपिंग में, अब अगला टॉपिक अगले टाइम पे है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, इतना आप कर लेना। एक चीज और इसमें अंदर जो अगले टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा वो है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। जीरो तुम पढ़ चुके हो, एक चीज और बता देता हूं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है बेटा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये वर्ड पॉजिटिव का क्या मतलब है समझो। ये मेरा एक है,
ये जो पॉजिटिव है ना, ये वेव के क्रस्ट और ट्रफ को बताते हैं। जब एक का क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, कहने का मतलब है जब ये सेम फेज में आपस में मिलेंगी दो वेव्स, तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, तो इस ओवरलैपिंग को पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेम फेज है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, एक ये बेटा चार्ज नहीं है, एक का प्लस दूसरे के प्लस से, एक का माइनस दूसरे के माइनस से, इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, समझ गए, इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें, नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें, नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग की कहानी क्या है, समझो मेरी बात, नेगेटिव ओवरलैपिंग की क्या कहानी है, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग की बड़ी सिंपल कहानी है, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से, प्लस माइनस, नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से, समझ गए, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग, समझ गए, नहीं समझे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। अच्छा ये वाले डायग्राम बना लो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, ठीक है, प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, है ना, ये चार्ज नहीं है बेटा, ये चार्ज नहीं है, ये उस वेव के क्रस्ट और ट्रफ को बताते हैं, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये क्रस्ट और ट्रफ को बताते हैं, वेव के असली में ये वेव के क्रस्ट और ट्रफ को बताते हैं। जीरो ओवरलैपिंग तुम पढ़ चुके, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग समझ में आ गई, जीरो ओवरलैपिंग तो पढ़ चुके हो, ये हम लोगों ने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया, थोड़े से डायग्राम में और बताऊंगा बच्चों, उसके बाद बीबीटी हमारा खत्म, ठीक है, ओके, थैंक यू।